हेलो गाइस गाइस, हमने पार्ट फाइल सर्वर पार्ट वन में देखा कि फाइल सर्वर इंस्टॉल करने की उसकी बेसिक नीड क्या होती है, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, कोटा मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल स्क्रीनिंग क्या होती है, नेटवर्क शेयर फोल्डर क्या होते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर क्या होते हैं, यूजर्स कैसे बनाते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हमने पार्ट वन में देखा। फाइल सर्वर पार्ट वन अगर नहीं देखा तो यहाँ पे जाकर आप इस वीडियो को रेफर करके यहाँ पार्ट वन देखिए, सो दैट कि आप लोगों को कंप्लीट वीडियो समझ में आ जाए, फाइल सर्वर समझ में आ जाए कि फाइल सर्वर को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी डिपार्टमेंट को अगर फोल्डर असाइन करनी है, कॉमन फोल्डर, तो कैसे असाइन करते हैं उसको, कैसे किस टाइप की परमिशन देते हैं, प्लस अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर पर्सन को अगर डेडिकेटेड फोल्डर चाहिए, इट मींस कि वो अगर पर्सन चाहता है कि मेरी जो एक ऐसा फोल्डर हो, एक ऐसा शेयर्ड हो, एक ऐसा लोकेशन हो सर्वर पे जहां पर कि मैं वहां पे फाइल और फोल्डर अपना रख सकूं और मैं सिर्फ उसे चेक कर पाऊं या देख पाऊं या अपडेट कर पाऊं उस लोकेशन से, और किसी का रिलेशन ना हो। तो दोस्तों ये हम सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे, करके देखेंगे कि उसको कैसे एक नेटवर्क नेटवर्क ड्राइव मैप करेंगे सो देट कि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फाइल सर्वर पार्ट 2। अब नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा कि ये तो हो गया पर्टिकुलर यूजर के लिए कि डिपार्टमेंट वाइज यूजर के लिए हमने फोल्डर बना दिया, ठीक है। तो जितने भी डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर हैं, जितने डिपार्टमेंट यूजर हैं, जैसे एडमिन डिपार्टमेंट है तो एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर अपना डेटा स्टोर करेगा, एचआर डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर हैं एचआर डिपार्टमेंट के अंदर डेटा स्टोर करेंगे। बट बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं, या हर किसी यूजर की बात करें तो उनको क्या आती है कि एक पर्टिकुलर फोल्डर चाहिए होता है जो कि शेयरिंग से अलग हो, मतलब कि ये तो हो गया आपका कॉमन कॉमन फोल्डर फॉर द डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट वाइज। अब उनको चाहिए एक पर्टिकुलर उनका सेपरेट फोल्डर जिसमें कि वो सिर्फ और सिर्फ वो एक्सेस कर पाए, पर्टिकुलर यूजर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस यूजर का एक नेटवर्क ड्राइव मैप करते हैं, राइट। तो नेटवर्क ड्राइव कैसे मैप करेंगे पर्टिकुलर यूजर्स के लिए वो देख लेते हैं दोस्तों। सपोज हमने एचआर के लिए करना है, ठीक है, HR1 के लिए, HR हम चाहते हैं कि HR1 का जो यूजर है उसके लिए पर्टिकुलर एक फोल्डर असाइन हो जाए। जब भी वो लॉग इन करे, किसी भी सिस्टम पे लॉग इन करे, कंपनी में कहीं भी सिस्टम पे लॉग इन करे, तो उसको क्या है कि एक नेटवर्क ड्राइव असाइन हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या कि हम एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं और नेटवर्क ड्राइव करके बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और उसके पहले हम एडमिन डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट को शेयर कर देंगे, राइट क्लिक शेयर एडवांस शेयर परमिशन नो एवरीवन ओनली HR1 HR एचआर ग्रुप को हम शेयर करेंगे, राइट, प्लस इसमें एडमिनिस्ट्रेटर भी रख लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, दैट्स फाइन। इसके बाद सिक्योरिटी में आएंगे, सिक्योरिटी में हम ऐड करेंगे HR ग्रुप को,
और अलाउ करो। तो इससे क्या है कि दोस्तों आप लोगों को बार बार यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए कि कोई नया मेंबर ऐड होता है तो सिंपल क्या करना है कि आपको यूजर बनाना है और उस यूजर को एचआर ग्रुप के अंदर ऐड कर देना है, ऑटोमेटिक वहां पे फाइल यहाँ पे परमिशन मिल जाएगी। सॉरी एडमिन में हमने एचआर को कर दिया, एनीवे यहाँ पे एचआर हो जाएगा, सॉरी एडमिन। शेयरिंग में भी यहाँ पे एडमिन हो जाएगा। ऐसे सेम थिंग आपको एचआर ग्रुप पे करने हैं। एचआर ग्रुप एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एचआर ग्रुप। That's fine. ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपका फाइल फोल्डर पर लेवल परमिशन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। अभी हमें क्या करना है कि ये जो नेटवर्क फोल्डर है, नेटवर्क ड्राइव को हमें शेयर करना है। अब जैसे मैंने अभी शेयर किया कि एचआर फोल्डर पूरा पूरा शेयर कर दिया, तो इस केस में क्या है, जैसे कोई एक्सेस करेगा, जैसे एंटर करेगा, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि एचआर डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट शो कर रहा है, मतलब पूरी कंपनी में हाकी शिक शो करेगा। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट। अभी हमें क्या करना है, जो नेटवर्क ड्राइव हम शेयर करेंगे, देखिए कैसे इसको शेयर कर रहे हैं हम, शेयरिंग नेटवर्क ड्राइव को हम डॉलर लगाकर शेयर करेंगे, सो दैट कि ये नेटवर्क में कहीं भी शो ना करे, दिखे ना। जब कोई सर्वर का नाम टाइप करके एंटर करे तो उसको शो ना करे नेटवर्क ड्राइव, राइट, क्योंकि इसको हमें हाइड रखना है, किसी को शो नहीं कराना है। तो हमें डॉलर लगानी है, नेटवर्क ड्राइव डॉलर, एवरीवन को नहीं करना है यहाँ पे, पर्टिकुलर जिसके लिए ये परमिशन है, जैसे हमने एचआर ग्रुप को शेयर करना है, एंड एडमिन, ठीक है दोस्तों, अप्लाई, ओके। इसके बाद हमें सिक्योरिटी में आनी है। सिक्योरिटी में हमें किसी को भी राइट्स नहीं देनी है, किसी भी यूजर को क्यों नहीं देनी है वो मैं आगे दिखाऊंगा क्यों नहीं देनी है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का परमिशन होता है, राइट दोस्तों। तो हमें क्या करना है, सिंपल इसको एंटर कर देना है। अब आप देखना है, अब हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर जो यूजर है एचआर वन, हम इसको एक मैप नेटवर्क ड्राइव बना के देंगे, सो दैट कि वो उसके लिए वो ड्राइव स्पेशली उसके लिए हो, वो उसका उसी एचआर वन को ही केवल राइट्स हो और कोई ना देख पाए। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, प्रोफाइल में आना है, कनेक्ट एज कोई भी ड्राइव आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जेड ड्राइव सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ड्राइव ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जेड ड्राइव लेते हैं। यहाँ पे पाथ सेट करना है, आपको कौन सा पाथ सेट करना है, स्लैश हमने किया था नेटवर्क स्पेस ड्राइव डॉलर,
सॉरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को राइट्स देना था, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के मेंबर, ओके देन ओके राइट्स एचआर वन पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आएंगे प्रोफाइल के अंदर ये पाथ सेट करेंगे आप स्लैश परसेंटेज यूजर नेम अगेन परसेंटेज, जैसे आप क्लिक करेंगे मैं ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, तो जैसे अप्लाई ओके करेंगे देखिए एचआर वन नाम से एक फोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है जैसे ये क्लिक किया आपने। उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों कि आप एचआर वन पे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एचआर वन को ही परमिशन है, इसका ये बेनिफिट होता है कि आप जैसे ही यूजर प्रोफाइल बनाते हैं पर्टिकुलर जो यूजर नेम है उसके यूजर नाम से वो फोल्डर ऑलरेडी बन जाता है और उस पर उसको परमिशन असाइन हो जाती है। अब हम चलते हैं इसको चेक करने के लिए यूजर्स सॉरी एक क्लाइंट मशीन पे और एचआर वन को लॉगिन करके देखते हैं कि क्या हमें नेटवर्क पाथ मिलता है या नहीं मिलता। अदर यूजर एचआर वन थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, ओके हम लॉगिन कर चुके हैं, हम चेक करते हैं हमारा ड्राइव, तो ये देखेंगे ये आपका नेटवर्क ड्राइव बन के तैयार हो गया है कि सर्वर 2K12 नेटवर्क ड्राइव, आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर इस यूजर के लिए ये फोल्डर रेडी है। अगर इसको कुछ कोई कॉन्फिडेंशियल चीज रखनी है, मान लीजिए HR1 जो यूजर है कॉन्फिडेंशियल चीज रखनी है तो क्या करेगा यहाँ पे स्टोर करके रखेगा सो दैट कि किसी को भी पता ना लगे कि क्या उसने रखा है और वही यूज करेगा। और अगर इसको शेयरिंग में यूज करनी है तो सर्वर 2K12 तो क्या करेगा HR के फोल्डर में जाएगा और यहाँ पे अपना जो भी रखना चाहे रख सकता है, और ये चाहेगा एडमिन डिपार्टमेंट को यूज करना तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट दोस्तों। तो इस तरह इसको एक कॉमन फोल्डर मिल गया डिपार्टमेंट वाइज फोल्डर प्लस एक इसको सेपरेट फोल्डर मिल गया सर्वर पे, तो यहाँ पे वो चेक कर सकता है और रख सकता है अपनी पर्टिकुलर फाइल। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा कि फाइल सर्वर क्या है, फाइल फोल्डर परमिशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर परमिशन असाइन करनी है तो कैसे करें। और ओवरऑल इस पूरी सीरीज में मतलब दो सीरीज थी हमारी फाइल सर्वर की Part 1 और Part 2, इसमें आप हमने सीखा कि फाइल सर्वर क्या होता है, फाइल सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, कोटा मैनेजमेंट क्या होता है, फाइल स्क्रीनिंग क्या होती है, यूजर्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुप के अंदर यूजर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, मेंबर बनाते हैं, जिसके वजह से कि हमारा काम आसान हो जाए, ग्रुप बनाने के बाद हमारा काम इजी हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट को मैनेज करना। और हमने ये भी सीखा कि किसी पर्टिकुलर यूजर को अगर नेटवर्क ड्राइव मैप करानी है तो कैसे करें, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो में सीखा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने यहाँ से सीखा होगा कि फाइल सर्वर क्या होता है और कैसे इसे प्रिपेयर करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।